वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन और बहुत सारी नमकीन चीजें तो बनती रहती है, लेकिन आज कुछ मीठा हो जाए। यस, शाहिना शुमैल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? शेफ शाहिना शुमैल आज हमेशा की तरह कुछ ना कुछ बहुत डिफरेंट और वर्सटाइल चीजों को प्रेजेंट करती है, तो आज मीठे में भी कुछ डिफरेंट आ रहा है। क्या डिश का नाम है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है खुश होंगे अपने घरों में, और वीकेंड आने वाला है तो जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी का नाम है चोको मैंगो डेजर्ट। चोको मैंगो डेजर्ट, जबरदस्त। ये स्लाइड जरा नाम ध्यान दे, चोको मैंगो डेजर्ट, जबरदस्त। ये डेजर्ट जो है ये बहुत क्विक बन जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कभी आपके मेहमान और गेस्ट को आना हो और जल्दी आना हो और टाइम का आपके पास कम हो, या कभी गेस्ट आके बैठ भी चुके हो, तो आप जब भी बना सकते हैं, क्विकली बनाएंगे, क्विकली बना सकते हैं। और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स से ये बनता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को रिफाइन कर देती हूँ। अच्छा, इसमें जो है वो शुगर जाएगी, मैंने 1/2 लीटर मिल्क लिया है जिसको मैंने ऑलरेडी बॉइल करा हुआ है। तो उसके बाद इसमें चीनी जो जाएगी वो 4 चम्मच जाएगी, 4 चम्मच चीनी। और ये है कोको पाउडर, चॉकलेट का पाउडर होता है ये। आप इस, ये 2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल होगा, इसकी अलग से मैं सॉस बनाऊंगी। यहाँ मेरे पास मैंगो कस्टर्ड पाउडर है, मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। और यहाँ मेरे पास मिल्क, मैंने 500 ग्राम मिल्क बॉइल पे लगा दिया था, और थोड़ा सा मिल्क मैंने तकरीबन 1/2 कप रखा है। इसको मैं इस कस्टर्ड पाउडर में डिजोल्व करूंगी, इससे लम्स बनने का मतलब खतरा नहीं होता है। ठीक है। एक मैंने नॉर्मल साइज का मैंगो लिया है क्योंकि मैंगो डेजर्ट है, तो इसलिए। और गार्निशिंग के लिए कुछ चॉकलेट्स और वेफर्स मेरे पास मौजूद है, और ये बिस्किट्स हैं, इनको आपने रफली क्रश करना है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना, वरना ये लई की फॉर्म में हो जाएंगे। तो आपने इसको थोड़ा सा दरदरा सा मोटा सा इसको छोड़ना है, ठीक है? और नॉर्मल कोई भी कंपनी के आप बिस्किट्स ले सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। और यहाँ जो है मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने मिल्क जो है वो 500 ग्राम ऑलरेडी बॉयल रख कर दिया था, ताकि हमारा टाइम वो ना हो। और अब मैं बनाती हूँ चॉकलेट सॉस। और ऑयल जो है 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल लिया था, ठीक है? तो ये 1/4 कप ऑयल जो है मैं यहाँ शामिल करूंगी। गुड हो गया। और हम बना रहे हैं चॉकलेट सॉस, और ये मेरे पास कोको पाउडर मौजूद है, ठीक है? कोको पाउडर मैं इसमें तकरीबन सारा ही 2 टेबल स्पून कोको पाउडर को मैं ऑयल के अंदर मिक्स करूंगी, और इसे हमें बहुत क्विकली मिक्स करना होगा। इसमें अभी मीठा नहीं होता कि इसमें शुगर ऐड होती है। और शेफ शाहिना शुमैल इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड करी है, ठीक है? क्विकली हो रही है, मैं देख रही हूं, बहुत क्विक बनता है ये। और इस चीनी को डिजोल्व करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा मिल्क शामिल कर देंगे, ताकि ये ओके जबरदस्त। बस अब हम लोग, पहले वो मीठे का एक ही कॉन्सेप्ट होता था, खीर और सवैया, लेकिन अब तो कस्टर्ड, तीन चीजों का तो होता था हमेशा ही जी। जो मैंने सुना है कस्टर्ड और खीर और सवैया, जैसे शीर कुर्मा भी हो गया, लेकिन अब जो लोग है ना घर पे भी, ये हमेशा हमें सोचते थे कि ये बाजार से ही मिलते हैं, लेकिन अब लोग घर पे भी बना सकते हैं। और चॉकलेट मूज वगैरह भी बनते हैं, व्हाइट मूज बनते हैं, अब तो ग्लासेस में वो सर्व किए जाते हैं। इंशाल्लाह मैं अब जब नेक्स्ट मीठा बनाऊंगी तो मैं चॉकलेट और वन वीक में हम एक बार स्वीट डिश जरूर प्रेजेंट किया करेंगे इंशाल्लाह, और डिफरेंट अंदाज में। अच्छा जी, सॉस बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है रेडी, और चॉकलेट की यहाँ आ रही है बड़ी जबरदस्त खुशबू। और हमने इसको बहुत ज्यादा कुक नहीं करना, वरना ये बिल्कुल, इसका हमने स्टोव को चल करा जी। और ये हमारी चॉकलेट सॉस यहाँ रेडी हो चुकी है। अब आ जाएंगे हम अपने मैंगो कस्टर्ड की तरफ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कस्टर्ड सभी बनाते हैं घरों में, और डब्बे पे रेसिपी भी लिखी हुई होती है, लेकिन कस्टर्ड की 1-2 टिप्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करें। अच्छा, नहीं, इसको हम साइड पे कर दें, ये फ्राई पैन को यहाँ रख लो, यहाँ रख लो इसके ऊपर, ठीक है? इजीएस्ट हो जाए ना, फ्रंट पे नजर भी आता है, गुड हो गया जी, चले। अच्छा, चॉकलेट कस्टर्ड की मैं बात कर रही थी, तो कस्टर्ड की बात कर रही थी, तो मैं आपको बताती चलूं कि कस्टर्ड बनाने की 1-2 टिप्स होती हैं, जस्ट आप उसको फॉलो करें, ठीक है? और बहुत इजी से बन जाते हैं। अच्छा, जब हमारे पास 500 लीटर जो है, यानी कि 1/2 लीटर हमारे पास जब मिल्क मौजूद है, तो उसमें 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर के ऐड होते हैं, ठीक है? तो यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर के ऐड है, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए मैंगो। अच्छा, कस्टर्ड हमेशा ज्यादा ठंडे दूध में जी ओके मिक्सिंग होता है, इसको मिक्स करना ऐसे करके ओके जी। राजी, आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर क्या डालेगा? ये जस्ट इसको हमने मिक्स करना है,
और हमने इसको इतना मिक्स करना है कि इसके लम्स वगैरह जो हैं वो सारे खत्म हो जाए, जो गिरियां सी बन जाती है ना, क्योंकि कस्टर्ड के अंदर जब ये ठंडा हो जाते हैं ना तो वो मुंह में आते हैं लम्स, तो वो बहुत बुरे बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा, इसके लिए जब आप पका भी रहे हो ना कस्टर्ड में, मैं अक्सर बनाती तो उससे के लिए आपको स्पून भी चलानी चलाना, फिर तो 100% ये जिसमें तो ब्रेकअप हो रहे हैं उसमें भी बन सकते हैं अगर आप उसको। अच्छा, इसका कस्टर्ड जो है ना हम थोड़ा सॉफ्ट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बिस्किट्स हमारे तो एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसलिए हम सॉफ्ट रखेंगे और इसकी जो कुकिंग टाइम होगा वो कम होगा। और नॉर्मल हम कस्टर्ड बनाते हैं तो वो थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, तो उसका जो कुकिंग टाइम होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन हम इसको सॉफ्ट रखेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर ऑलरेडी बिस्किट्स वगैरह और चॉकलेट सॉस ली है। अच्छा शाइना, एक मैं चीज देखती हूँ कि कुकिंग करने का भी एक बड़ा मजा है। Exactly. कल मैंने बनाई थी बिरयानी ना, अच्छा आज मुझे मेरी टीम मुझे मजाक से एक बार आज तुम फिर बनाओगी, मैंने कहा इतनी भी टेस्टी नहीं थी, कहते नहीं अच्छी थी। मैं आप लोगों की लेकिन जगह नहीं ले सकती, बड़ा मुश्किल काम है ये भी ना जरा सा डेली, क्योंकि मुझे और भी सेगमेंट्स करने होते हैं। जी बिस्मिल्लाह डालें जी। यस, तो ये कस्टर्ड यहाँ पे दूध मेरे पास ऑलरेडी बॉइल है और इसमें मैं शुगर भी ऐड कर देती हूँ साथ साथ, ताकि ठीक है, तो ये 4 टेबल स्पून तकरीबन, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, बस हल्का ही मीठा रखे तो बहुत ज्यादा हमारी सॉस में भी मीठा है और बिस्किट्स में भी मीठा है, तो बस ये हमने इसको शुगर को हमने यहाँ पे ये हल कर दिया है, शामिल कर दिया है चीनी को हमने इसमें, और ये तकरीबन हमारी चीनी मिक्स हो रही है जब तक हम बिस्किट्स के अंदर चॉकलेट सॉस जो हमारी रेडी थी ओके ये वो हम ऐड कर देते हैं। जी नाज़िया, तो देख रही हैं ये इस वक्त चॉकलेट ऐड हो रही है किसमें, बिस्किट्स में, बिस्किट में तमाम चॉकलेट सॉस हमने जो बनाई थी। कोटिंग करनी है इसको, मिक्स भी करना होगा? नहीं, जस्ट कोटिंग करनी है, क्योंकि जब कस्टर्ड जाएगा ना तो ये सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक। चॉकलेट्स अरे जब आइसक्रीम पर डाली जाती है लाइक या केक पे, इसका फ्लेवर बड़ा मजा। अच्छा, आप इस सॉस को बनाते हुए बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता और मिल्क और ऑलरेडी बिस्किट्स वगैरह, तो मैंने इसलिए बटर का जी जो लोग बहुत हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो वो इसमें ये बटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त। और यहाँ हमारी चीनी हल हो चुकी है कस्टर्ड के अंदर और अब ये जो मिक्स किया हुआ कस्टर्ड है इसको मैं एक दफा और, क्योंकि मैंने इसको रख दिया था, ठीक है, तो अगर कोई लम्स हो तो वो रिमूव हो जाए, और मैं ये कस्टर्ड इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, ठीक है, और जस्ट कंटिन्यूसली जो है ना मैं इसके अंदर, ये देखें आप, ये इस फॉर्म में आपने स्लो स्लो कस्टर्ड डालना है और आपने जो है अपना स्पून कंटिन्यूसली रोकना नहीं है, और अगर आप चाहें तो विस्क भी ले सकते हैं उसकी मदद से भी आप। ठीक ठीक ओके। और हम इसे कुक करेंगे, लेकिन हम इसे कुक ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसकी कुकिंग टाइमिंग जो है वो कम होगी कस्टर्ड की, थोड़ा सा हम अपनी फ्लेम को हाई कर देंगे, ठीक है जी, क्योंकि दूध बॉयल हो चुका है। अच्छा जी, थैंक्स फॉर दिस सेगमेंट, किचन सेगमेंट स्पॉन्सर्ड बाय ग्लैम गैस, और इनके स्टोव बड़े जबरदस्त है ऑफ कोर्स, और खास तौर पे बर्तनों को खराब नहीं करते, जलाते नहीं है, और इनके जो स्टोव है वो स्टील इनका जबरदस्त है कि जो इस पे जंग नहीं लगने देता। एंड थैंक्स अगेन ग्लैम गैस। जब तक हमारा ये कस्टर्ड रेडी हो रहा है, ये हमारे पास मैंगोस थे और ये हमने बिस्किट्स में चॉकलेट को मिक्स कर दिया और हमने इसके अंदर ये मैंगोस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक। आप इसको, क्योंकि जब तक सीजनल फ्रूट आप ऐड ना करें, आप स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाएं, कुछ भी बनाएं, अगर सीजन में वो फ्रूट है तो आप उसको जरूर शामिल करें। और यहाँ मैंने इसे मैंगोस को ऐड कर दिया है, ठीक है, तो हमारे मैंगोस इसमें ऐड हो गए। कस्टर्ड तकरीबन हमारा सॉफ्ट जो मैंने आपसे कहा था जी। ये देखें, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा कस्टर्ड, हमने इसको थिक नहीं करना है, मैं फिर बता दूं, लिक्विड रखना है जी, ठीक है ठीक है, ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, ज्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडा होकर ऑलरेडी ये गाढ़ा हो जाता है, और आप कोशिश करें बस इसका कच्चापन जो है वो खत्म कर रही है मेरे ख्याल में। जी जी जी, ठीक है जी, ये हमने इसका जो है सिर्फ हमने इसका कच्चापन खत्म करने है और मिल्क के अंदर कस्टर्ड का फ्लेवर आ जाए। और ये देखें, आपने बिल्कुल इसको मिक्स कर लिया था तो वैसे ही ये बहुत अच्छी सी स्मूथ इसकी जो है ना, आप इसे इस तरह से करते रहेंगे ना तो ये एक स्मूथनेस आ जाएगी कस्टर्ड में। तो कस्टर्ड बनाते हुए आपने सिर्फ 2 टिप्स का ख्याल रखना है, एक तो कस्टर्ड पाउडर आपने उसमें हल करना है, दूध में, ठंडे दूध में हल करना है, उसके बाद आपने जब इसमें डालना है तो आपने इस तरह कंटिन्यूसली स्पून को चलाना है, डन हो गया इसको, और ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। और यहाँ मैंने स्टोव को ऑफ किया है और अब मैं गरम गरम कस्टर्ड जो है
वो इसमें शामिल कर दूंगी। क्विकली बनाया है शुमैला, बहुत क्विक रेसिपी है ये। ये गरम गरम कस्टर्ड जो है मैंने इसमें शामिल किया है। शाहिना ने बहुत क्विकली जो है ना इसे माशाल्लाह, बच्चे तो आज सोच होंगे यार ये डिश वहां पे भी, जो कॉल करेंगे मैं आपको डिश टीसीएस करवा दूंगी जो कॉल करेंगे हम उनके लिए टीसीएस करवा देंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा yes, पता है क्या होता है, ऐसी डिशेस जो होती है ना वो स्पेशली बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। और थोड़ी सी चॉकलेट का इसमें आपने फ्लेवर दे दिया है, हर चीज उनकी पसंद की डली हुई है भाई, बिस्किट्स डले हुए हैं, बिस्किट्स डले हुए हैं और मीठा है। अगर हम थोड़ा सा ठंडा करके इसको करते हैं तो उससे एक जो जो पॉइंट जो नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि बिस्किट जो है ना वो उसमें हल नहीं होते, फिर okay. वो मुंह में आते हैं तो वो बुरे लगते हैं। ठीक है, तो आप लाइव शो की वजह से, लाइव शो की वजह से। अच्छा आप जब कस्टर्ड डाले तो थोड़ा सा टाइम कर, अच्छा ये अभी लगाना डिस्प्ले कर, अगर मैं इसमें आखिर में लेकर, अच्छा आखिर में ये जो है ना ये इनको ये बता रही है कि किस तरीके से, यस और ये डेकोरेट कर देना, डेकोरेट बाकी। चले जी ये फिलहाल हम आपको प्रेजेंट करके दिखा दें ताकि, यस गुड, दे हैव डन, गुड हो गया, ओके बस इट्स ओके, छोड़ दो, गुड। जी नाज़िम ये चॉकलेट मैंगो डेजर्ट रेडी, चॉकलेट मैंगो डेजर्ट रेडी। थैंक यू चाइना सुमाइल, थैंक यू जी नाज़िम, हम यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग में सभी के साथ।